यही कारण हो रहा है ना तुम्हें शगुन की शादी करवाती पड़ी सी दूसरे घर से जाना पड़ता बेचारी पीयू मैं जबरदस्ती उसके घर में लेकर आ गई हूँ बिना उसकी मर्जी के हम सेल्फिश आया मैं अच्छी मां नहीं हूँ मेरे कारण उसकी हालत हो रही है माँ का कभी ईगो थोड़ी ना बीच में आता है अच्छा अच्छा खुश होना चाहिए शगुन को वापस दे दूंगी पीयू को मैं शगुन को फोन करके बुलाती हूँ पीयू उसी के पास होना चाहिए कम से कम वो खुश तो रहेगी क्या कर रही थी फोन तो मुझे शगुन क्या कर रही शगुन को फोन कर मैं चाहता हूँ तुम ये करोगी तुम्हें बात समझ में नहीं आती तुम हो शगुन वो नहीं बन सकती जो तुम हो तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और शगुन अच्छी माँ नहीं बन सकती घटिया माँ हूँ मेरे मैं सबसे घटिया माँ क्या अच्छा किया मैंने अब तक रूही का बचपन बर्बाद कर दिया था आदि वो अकेला पड़ गया मेरे कारण मैं परेशान हो गया वो मेरे कारण उसकी हालत देखी आपने उसे मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छी माँ हूँ ही नहीं उसे जरूरत है उसकी माँ की उसे जरूरत है शगुन की मैं समझ जो माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ सकती है वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है मेरे बच्चों को माँ के मायने तुमने सिखाए मेरे बच्चों के लिए सिर्फ उनकी इसी माँ मायने रखती और कोई नहीं पीयू हमारी बेटी है श्वेता क्या माँ बाप का फर्ज नहीं होता कि अगर बच्चे भटक जाए उन्हें सही रास्ते पर लाए हम समझाएंगे ना उसे बच्ची है वो यार कब तक रूठेगी अपनी माँ से जैसी बातें कर रही हो पापा मैं पीयू की मेडिसिन लेकर आया था अच्छा आप एक बार चेक कर ली थैंक यू ठीक है आदि तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज ताने पीहू कैसे होगे क्या कर रहे होगे पीहू को बहुत मिस कर रहे हूं उसे बात कर लो नहीं तो वो स्कूल गए होगे रमन से बात करती हूँ उसे पूछती हूँ कि पीहू कैसी है मैं ऑफिस पहुंचे डिटेल चेक कर लूं जी नहीं पता नहीं मैं मिस्टर मेरा एक सेकंड उनका फोन है वेटिंग में अगर उसे पीयू की हालत के बारे में बता दिया तो आकर उसे लेने की बात करेगी मिस्टर मेरा लेट मी कॉल यू बैक प्लीज थैंक यू हाय शगुन हाउ आर यू मनी कैसा है हाउ इज मैरिड लाइफ मैं पीयू को बहुत मिस कर रही थी उसे बात करनी थी कैसी है वो पीहू पीहू स्कूल में होगी कहाँ और कहाँ होगी स्कूल में राइट स्कूल गई होगी अच्छा लिसन ना मैं काम करूँ उसे स्कूल से पिकअप कर लूँ एक्चुअली उसका फेवरेट खाना बना है साउथ इंडियन अब उसे यहाँ ले आऊंगी एंड देन शाम तक उसे घर वापस ड्रॉप कर दूंगी प्लीज नहीं मतलब एक्चुअली आज पॉसिबल नहीं होगा शगुन हमारा ऑलरेडी प्लान है पीहू के घर आते ही हम लोग सब मूवी जाने की सोच रहे हैं तो पीयू कल आ जाएगी तुम्हारे पास इफ डोंट माइंड प्लीज श्योर राइट सी यू थैंक्स
इशिमा, आप चाहते हो कि मैं शगुन मम्मा के पास जाऊं? प्लीज ना आदि, प्लीज तुम कैसे भी उसे यहाँ पे लेकर आ जाओ ना। मुझे पता है तुम्हारे पापा अलाउ नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे इसके लिए, लेकिन लेकिन आदि प्लीज आई नीड योर हेल्प बेटा, प्लीज जैसे भी हो कोई भी बहाना बना के वहां जाओ, प्लीज शगुन को ले आओ ना। आप गुस्सा कहना कि शगुन मम्मा ने ही आपको किडनैप करवाया, और आप जानते हो ना पापा को, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर हम लोगों ने यहाँ बुलाएंगे। तुम्हारे पापा का अच्छा लगना या नहीं लगना भी ज्यादा जरूरी है, या फिर पीहू की सेहत, उसका हाल देखा है, अंडर ऑब्जर्वेशन है वो। आदि है मुझे शक, बहुत ज्यादा शक है शगुन पे, मुझे मालूम है कि उसने क्या किया है, लेकिन पीहू से तो वो प्यार करती है ना, और पीहू उससे प्यार करती है। आदि पीहू के लिए जरूरी है कि उसकी माँ उसके पास हो, हम यही चाहते हैं ना कि पीहू खुश रहे। पहले भी पीहू की सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने अगर मुझे किडनैप भी करवाया तो पीहू के लिए करवाया ना, चलेगा? एक माँ, माँ ने किया जो किया है, फिलहाल मैं चाहती हूँ कि वो आ जाए पीहू के लिए। प्लीज बेटा प्लीज, शी इज योर सिस्टर, शी नीड्स अस, प्लीज। मैं जाऊंगा। सुनो, पापा को पता नहीं लगने देना,